तारक नाम के राक्षस के तीन पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुमाली। तीनों बेटे जब बड़े हुए तो उसकी माता ने कहा, बेटा तेरे पिता को भगवान शिव के बेटे ने मारा है, क्या तुम अपने पिता के शत्रु से बदला नहीं लोगे? जैसे ही मां ने बेटे को, तीनों बेटों को समझाया तो बेटे तुरंत तपस्या करने के लिए, घोर तपस्या करने के लिए जंगल में गए। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें मांगो, क्या मांगना चाहिए? इन तीनों तारक पुत्रों ने ब्रह्मा से वरदान मांगते हुए कहा, जातो जमिष्यति दूर जंतु को बेसुरा क्वचित अगराश्य अमरो लोके। भगवान इन तीनों के तीनों राक्षस पुत्रों ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हमारी कभी मृत्यु ना हो, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि नास्ति सर्वास्तम, हम जीवन में कभी मरे नहीं अगर अमर हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मेरी इस मृत्यु लोक की सृष्टि का नियम है, जातो जनुष्यते नूनम जंतु को असुरा क्वचित अजरा अमराश्चरो लोके न भविष्यति न भूतले। मेरी इस सृष्टि का नियम जंतु लोक में कि जो भी जगत लेगा, चाहे वो मनुष्य का ले, पशु का ले, पक्षी का ले, जीव जंतु का ले, पेड़ पौधों का ले, जड़ चेतन किसी रूप में भी सृष्टि में जो भी आएगा वो कभी अजर अमर में हुआ है ना, इसके अतिरिक्त तुम कोई वरदान मांगना चाहो तो मांगो। तीनों राक्षस बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा तो ठीक है, फिर हम जैसी अपनी मृत्यु चाहते हैं आप हमें ऐसा वरदान दे दीजिए। और उन्होंने कहा कि त्रिनिर्वाया भूतानि सर्व संपत्ति समृद्धाय हमारे आकाश में तीन नगर बनाइए, तीन नगर बनाइए, एक सोने का, एक लोहे का, एक चांदी का। तीनों भाई हम हजारों वर्ष तक उस नगर में अलग अलग रहेंगे, बस 1000 वर्ष के बाद एक दिन जब मुख नक्षत्र वर्ग नक्षत्र होगा, आकाश में तारे, आकाश में बादल छाएंगे, हम 1000 वर्ष के बाद एक दिन के लिए तीनों भाई तीनों नगरों को एक साथ करके एक दिन के लिए हम मिलेंगे। उस 1000 वर्ष के बाद जब हम एक दिन के लिए मिलेंगे, एक दिन के लिए मिलेंगे, हाँ, तभी भगवान शिव स्वयं देवताओं के रथ पे आरूढ़ होकर शिकारी का रूप धारण करके अग्नि बाण चलाकर इन तीनों मिले हुए नगरों को बाण मार देंगे, बस तब तो हम भस्म हो जाएंगे, वरना 1000 वर्ष के बाद एक दिन टल गया तो फिर हम 1000 वर्ष तक जिंदा रहेंगे। इतना कठोर मृत्यु का वरना पाया कि 1000 वर्ष तक तो मरेंगे, और एक दिन जब तीनों नगर मिलेंगे तब भगवान शंकर को भी शिकारी का धारण करके देवताओं की शक्ति से बने देव रथ में बैठकर जब वो अग्नि बाण मारेंगे तब हमारे तीनों नगर भस्म होंगे। अब ब्रह्मा जी का तो स्वभाव है, जो जैसा बनता है मांगे, बोले ठीक है भाई तुम्हारी मृत्यु ऐसे ही हो। अब तो वो तीनों राक्षसों ने उत्पात मचा दिया, 1000 वर्ष में इंद्र आदि समस्त देवी देवताओं के सिंहासनों को छीन लिया। सारे देवता घबरा गए, कंदराओं में जाकर अपने प्राण छिपाए। अंतिम में ब्रह्मा के पास पहुंचे, बोले महाराज जी तुम कैसे कैसे वरदान दे देते हो,
हम ब्रह्मा जी ही तो होंगे। तब ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर के भगवान शंकर के पास आए। शिव जी ने कहा, ब्रह्मा जी करते तुम और भरना हमें पड़ता है, पर चलो तुम समस्त देवी देवता अपनी अपनी शक्ति से एक रथ तैयार करो। जब देव रथ तैयार हो जाए, वो हजार वर्ष के बाद जो एक दिव्य तीनों नगर मिलेंगे, उससे पहले तुम रथ तैयार कर लो। मैं स्वयं शिकारी का रूप बनाकर अपनी बाण से इनके नगरों को भस्म कर दूंगा। तब शिव के वचनों को सुनकर समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति से रथ तैयार किया। और जैसे ही देव रथ तैयार हुआ, हजार वर्ष जैसे बीते, वो दिन जैसे आया, तीनों राक्षसों ने लोहे चांदी और सोने के नगर को एक साथ मिलाकर तीनों भाई जैसे ही हुए, भगवान शंकर चढ़ गए रथ पर, शिकारी का धारण कर लिया और धनुष बाण लेकर जो तगड़ी बाण छोड़ा, तो बाण लगते ही वो तीनों के तीनों नगर भस्म हो गए और उन नगरों में वो तीनों राक्षस भी भस्म।